Audio jungle. Audio jungle. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पायथन प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल सीरीज में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट कंपैरिजन क्या होता है। यानी कि मैं आपसे लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन। अब आप लोग बोलेंगे किस लिए? आप लोगों ने बेसिक कवर कर लिया है, यानी कि बेसिक पायथन आप लोगों को आ चुकी है। अब हम आगे क्या करेंगे, पायथन क्या बनाता है हम आगे उसको पढ़ेंगे। यानी कि पायथन जो ईजी लैंग्वेज होती है, जो हम किसी और लैंग्वेज में 4 लाइन में कोड लिखते हैं, पाइथन में 1 लाइन में लिख देते हैं, तो अब ये सब चीज़ें कैसे होती हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन हम ये देखेंगे। बहुत सी जो हमने लाइन कोड अभी तक 4-4, 5-5 लाइनों में लिखा था, वो हम सिंगल लाइन में लिखेंगे। तो अब वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हमारी ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी, फाइल्स के इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, डेकोरेटर जनरेटर सब कवर करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीट की पेटियाँ बांध लीजिए और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। तो सबसे पहले मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, इन्हें एक्सेस कर लेना, अच्छे से संभाल कर रख लेना, ये बहुत काम आएंगे आप लोगों के, ट्रस्ट में, ठीक है। इसलिए नहीं बोला कि मैंने बनाया तो हाँ भाई हाँ हूँ, मतलब थोड़ी अपनी तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, सीरियसली बहुत काम आएंगे, ठीक है, लाइफ टाइम काम आएंगे। कल को आपको इंटरव्यू देने जाते हैं तो लास्ट वक्त में भी ये 2 मिनट में आप अपने फ़ोन में खोलना PDF और अच्छे से रिविज़न कर लेना। और बेस्ट चीज़ ये होगी कि ये चीज़ है ना, मैं आपको एक ही चीज़ वही पढ़ा रहा हूँ जो मैं नोट्स में लिख रहा हूँ। यानी कि अगर मैं 4 पेज का काम पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं 4 पेज मैंने आपके लिए नोट्स में भी लिखा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी मेहनत लगी है इनमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए पहुँचते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड में और tut41.py नाम से फाइल बनाता हूँ। अब मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग इसका कलर चेंज करना चाहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड का, आप लोगों को किसी को नहीं पता, तो यहाँ पे जाइए, कलर थीम पे जाइए और अपने मनपसंद इनमें से कोई सा भी कलर ले लीजिए। चलिए अब मैं ब्लैक कर देता हूँ। बहुत सारी वीडियोस हमने किसमें वाइट में कवर कर ली हैं, तो अब डार्क ले लेते हैं, ठीक है, डार्क विजुअल स्टूडियो या डिफ़ॉल्ट डार्क कोई सा ले लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, या मैं दूसरा वाला ले लेता हूँ, डार्क विजुअल स्टूडियो ले लिया मैंने, डार्क डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने डार्क ले लिया यहाँ पे। अब काम करते हैं हमारा आज की वीडियो में जो मोटिव है, यानी कि लिस्ट कंपैरिजन देखना है मुझे ये होता क्या है। तो लिस्ट आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी थी। अब पता है बेस्ट चीज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, हमने लिस्ट के प्रोग्राम्स तो हम अलग से बनाएंगे, एक्सरसाइज तो अलग से करेंगे, पर अब मैं ना लिस्ट कंपैरिजन को जब बताऊंगा तो दोनों के प्रोग्राम आपको साथ साथ कराता रहूंगा कि लिस्ट के नॉर्मल मेथड से आप उस प्रोग्राम को किस तरीके से बना रहे थे और कंपैरिजन से कर रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना, ट्रस्ट में से बहुत फायदा होगा। इससे ये होगा कि दोनों को आपको ये पता रहेगा कि उस मेथड से कैसे बनाया था, इस मेथड से कैसे बनाया था। तो एक प्रोग्राम बनाने के आपके पास 2-2, 3-3 मेथड आएंगे तो आप पक्का परफेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोगों को, ये मेरी हेडिंग है, क्रिएट करनी है लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट क्रिएट करनी है ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स की एक लिस्ट क्रिएट करनी है फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 यानी कि 1 से लेके 10 तक के नंबर का स्क्वायर की लिस्ट करनी है। आप इसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 so on। तो अब ये पहले आपको लिस्ट नॉर्मल लिस्ट बना के करनी है, लिस्ट बनानी है। तो नॉर्मल लिस्ट मेथड जो था, यानी कि नॉर्मल मेथड से आप इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे पहले ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे लिस्ट कंपैरिजन से किस तरीके से करेंगे। तो नॉर्मल मेथड से क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ SQRR का, ठीक है, उसमें मैंने एम्प्टी लिस्ट दे दी कोई इसी, क्योंकि इस एम्प्टी लिस्ट में मेरे सारे के सारे जो ये स्क्वायर्स वाले एलिमेंट्स है वो आएंगे प्रिंट होगी, इसलिए मैंने एम्प्टी दे दिया। मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर कहाँ से कहाँ तक जाना है मुझे, फॉर आई इन रेंज 1 से शुरुआत करनी है और 10 तक जाना है, तो 11 लिखना पड़ेगा मुझे। मुझे पता है ये मेरा एक जो होता है पीछे की तरफ आ जाता है, n-1 होता है, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, ये लिस्ट है मेरी, इसमें मुझे क्या करना है, अपेंड करना है सबका स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, sqr.append मेथड पढ़ा था हमने लिस्ट में, और उसके अंदर क्या कर सकता हूँ मैं i, यानी कि जो मेरा i आएगा जैसे सपोज कीजिए आई की वैल्यू 1 आई, तो आई की वैल्यू जो 1 आ रही है तो उसका स्क्वायर करना, तो किस तरीके से करूंगा, आई मल्टीप्लाई यानी कि पावर वाला और ये 2, ठीक है, आई का स्क्वायर 2 यानी कि आई की वैल्यू 2 आई यहाँ पे सपोज कीजिए। सबसे पहले आई की वैल्यू 2 आई तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 आई तो 3 का स्क्वायर। तो इतना मैंने कर लिया। अब इसमें क्या करना है, सिंपल प्रिंट करवाना है हमारे SQR को। अब होगा कैसे, आई की वैल्यू एक रेंज से आती रहेगी, अपेंड होती रहेगी हमारी लिस्ट में, उसके बाद हम इस लिस्ट को प्रिंट करवा लेंगे। तो अब इसे मैं रन करता हूं, तो ये देखिए 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर मेरे सामने आ गया इजीली, और कोई भी इसमें इतना हार्ड लॉजिक नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाँ कोई मुझसे बोलते रॉकेट साइंस। अपेंड मेथड हमने पढ़ा था, करता क्या है, लिस्ट में आई की स्क्वायर वाला ही कराया, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई क्या है, कोई भी नंबर जैसा मेरा आ रहा है 1 2 3 4 किसी भी रेंज के बीच में जो मैंने नंबर दिए उनमें से आई का नंबर आएगा और अपेंड होकर हमारी लिस्ट में चला जाएगा, और फिर हम उस लिस्ट को प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, हो गया। अभी नॉर्मल मेथड से पढ़ लिया आपने। क्या आपको पता है हम इसे करेंगे लिस्ट कंपैरिजन से। अभी क्या है, ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले इसे मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, मैं 10 बार नहीं बिगाड़ रहा। अब देखिए, अब सबसे पहले मुझे ये काम करना है, मुझे स्क्वायर करना है कितने नंबर का, 1 to 10 का, यानी कि अभी जो 4 लाइन में मैंने कोड लिखा था, अभी इसे मैं 1 या 2 लाइन में किस तरीके से कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंप्रेहेंशन। तो स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और मुझे अपेंड क्या करना है, पहले मुझे वो लिखना होता है कि मुझे अपेंड क्या करना है। मुझे अपेंड करना है ये आई, ठीक है, आई का स्क्वायर 2, इस तरीके से अपेंड करना है मुझे। तो आई का स्क्वायर 2 ये अपेंड करना है मुझे, और किस रेंज में करना है वो लिखना होता है। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 11। अब मैं अगर प्रिंट करवा लूं SQR को तो क्या होगा, जो काम हमने ऊपर 4 लाइन में करा था ना वही आउटपुट आ गया मेरा, सिर्फ 2 लाइन में करने में। 2 के 1 ही लाइन प्रिंट को भी अगर आप गिन रहे हैं, हाँ भाई ऊपर भी गिना है तो ठीक है, 2 लाइनों में वो काम आपका कितनी इजीली हो गया। यानी कि क्या अपेंड करना है मुझे, और रेंज लिख दी। अगर मैं इसी रेंज को यहाँ पे 20 कर दूं तो क्या होगा, तो मेरे को 20 तक के मिल जाएंगे, यानी कि 90 तक के मिलेंगे, 9-1 तक। देखिए 19 तक के मुझे स्क्वायर मिल गए। तो कितनी इजीली आपने किसी नंबर का स्क्वायर निकाल लिया लिस्ट कंप्रेहेंशन मेथड के थ्रू। और नॉर्मल मेथड से आपको निकालना होता तो आप इससे भी निकाल लेते, इससे भी निकाल लेते। अब बात आती है किससे निकालू, तो दोस्तों जॉन सा आपको याद रह रहा है अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी सलाह यह है, दोनों याद रहते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर एक भी याद रहता है तो अच्छी बात है। एक तो याद रखिए एटलीस्ट, ठीक है, और लॉजिक लगाए, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है, उसमें क्या करना है, रेंज देनी है आपको, फिर अपेंड मेथड का यूज करके उसमें अपेंड कर देने हैं। और इस वाले में क्या करना है, लिस्ट कंप्रेहेंशन में सबसे पहले आपको वो लिखना होता है जो अपेंड के अंदर आपने लिखा है, उसके बाद आपको रेंज लिखनी होती है, और सिंपल आप प्रिंट करा सकते हैं। दोनों याद रह रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना लिस्ट कंप्रेहेंशन वाले को अच्छे से देख लीजिए, और कोई सा भी आपको समझ में आ रहा है वो अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। दोनों ही ईजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल 2 देता हूँ, टू प्रिंट 1 to 20 नेगेटिव नंबर, नेगेटिव वे में प्रिंट करने 1 to 20, ठीक है। अब है क्या करना है मुझे, करना क्या है मुझे सोचो, मुझे -1 से -20 तक प्रिंट करने नंबर। तो उसके पीछे सबसे पहले एक ऐसा लॉजिक लगाएंगे, नॉर्मल मेथड से करेंगे, फिर एक करेंगे लिस्ट कंप्रेहेंशन से, ताकि हमें ये पता चल जाए लिस्ट कंप्रेहेंशन किस तरीके से हमारी चीजों को इजी बनाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है विद लिस्ट कंप्रेहेंशन वी कैन क्रिएट अ लिस्ट इन 1 लाइन, यानी कि लिस्ट 1 लाइन में बना सकते हैं हम। जैसे कि ये 4 लाइन की लिस्ट है, वो 1 लाइन में बना के हम चीजें आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल मेथड बताऊंगा, ठीक है। ये दोस्तों आपकी प्रोग्राम की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। चाहता मैं एक ही प्रोग्राम करा देता, पर वीडियो की लेंथ भली लंबी हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेन बात होती है कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसे हमने कमेंट आउट कर लिया। अब देखिए नॉर्मल मेथड से क्या करना है आपको, 1 to 20 करना। तो इसमें नेगेटिव नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें क्या करता हूँ एम्प्टी लिस्ट पास कर देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, रेंज देता हूँ कहाँ से कहाँ तक करवाने हैं मुझे। फॉर आई 1 to 20 तक करवाने हैं, तो लिखूंगा फॉर आई इन रेंज 1 to 21, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट आर्ग्यूमेंट है 1, एंड आर्ग्यूमेंट है 21, तो 21 से क्या होगा, n-1 एक कम आ जाएगा। फिर मैं नेगेटिव मुझे लिस्ट में जिसमें अपेंड करना है, तो लिस्ट का नाम, अपेंड मेथड और लॉजिक लिख दूंगा। अपेंड के अंदर क्या करना है, यानी कि आई की वैल्यू 1 आ रही है तो मुझे यहाँ पे -1 कर देनी है। तो -1 कैसे होगी, यानी कि आई की जो भी वैल्यू आ रही है उसमें -i हो जाएगा। कोई थोड़ा लॉजिक नहीं था, कुछ नहीं था भाई। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो अच्छे से पिछली वीडियोस को देखो, रिवीजन करो, ठीक है। अब मैं जब इसे रन करूंगा तो मेरे को एक लिस्ट मिल जाएगी -1 से लेकर -20 तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंप्रिहेंशन करते हैं इसे। विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंप्रिहेंशन, लिस्ट कंप्रिहेंशन, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, लिस्ट कंप्रिहेंशन से करते हैं। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। तो एक नेगेटिव नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। सबसे पहले किसी भी नाम का बना लेना, ये कहीं आप इसे भी रटो कि हाँ भाई नेगेटिव नाम का ही बनाना है। बहुत से बिगिनर के साथ दिक्कत होती है। तो माइनस सबसे पहले आपको लिखना है, अपेंड क्या करना है, तो -i अपेंड करना है। तो आपको यहाँ पे लिख दो -i करना है मुझे अपेंड। पर अब लिखना होगा आपको रेंज कितने से करना है, तो 4i इन रेंज 1 to 21 तक करना है। अब अगर प्रिंट कर दूं है ना नेगेटिव को, तो क्या होगा, प्रिंट कर दूं मैं नेगेटिव को तो जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो मिल जाएगा। तो देखा कितना इजी कर दिया लिस्ट कंप्रिहेंशन ने आपका काम। जो आपका प्रोग्राम 4 लाइन में बन रहा था वो 1 लाइन में बन रहा है। तो पायथन ये है, ये फायदा देता है आपको पायथन, ठीक है। ये पायथन में लिस्ट कंप्रिहेंशन ये चीज आपको इस तरीके से फायदा देती है। तो आपको दोनों प्रोग्राम आने चाहिए, पहला मेथड भी आना चाहिए, दूसरा भी आना चाहिए, ठीक है। और कहीं आप अच्छे प्रोग्रामर बन जाओ तो आप कंप्रिहेंशन से करो, और अगर बिगिनर हो क्या किसी से भी कर लो, मतलब आउटपुट आ जाना चाहिए। पर अगर आपको शॉर्टकट आता है तो शॉर्टकट कर दो यार, अच्छा है, आपकी चीजों को ईजी कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये आ गया। अब मैं 1-2 प्रोग्राम और बना के दिखाता हूँ आपको कि मेरा जैसे नेम्स की एक लिस्ट है, एक लिस्ट लेता हूँ मैं नेम्स की, प्रोग्राम में बताता हूँ। पहले उससे पहले लॉजिक समझ लो करना क्या है ना। ये मेरा नाम है, ये किसी जैसे विराट कोहली का नाम लिख देता हूँ मैं, और तीसरा मैं लिख देता हूँ गेल, क्रिस गेल भाई का नाम। अब इतना हो गया। अब मेरे को एक मतलब मेरे को प्रिंट करवाना है, मेरे को स्क्रीन पर सिर्फ चाहिए पहला लेटर। पहला लेटर मतलब एन चाहिए इसका, है ना, इसका एन चाहिए, इसका वी चाहिए, विराट कोहली का और क्रिस गेल का जी चाहिए। समझ गए। इनपुट में ये लिस्ट देनी है, आउटपुट में आपको ये चाहिए न्यू लिस्ट। इनपुट में ये देनी है, आउटपुट में ये देनी है। तो अभी कैसे होगा काम, सबसे पहले नॉर्मल मेथड देखते हैं। तो नॉर्मल मेथड, तो नॉर्मल मेथड में क्या है, एक नेम्स नाम की मैं सबसे पहले वो बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, लिस्ट। तो इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये आउटपुट चाहिए तो कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं न्यू लिस्ट बनाता हूँ, जिसे मैं शुरुआत में क्या रखूंगा, एम्प्टी रखूंगा, क्योंकि न्यू लिस्ट में मैं ये नाम का पहला वर्ड रखूंगा, ठीक है। तो न्यू लिस्ट में क्या करेंगे, नाम का पहला वर्ड रखेंगे, ओके ओके। अब मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन नेम्स, आई क्या करेगा, एक्सेस करेगा नेम्स में से जो मेरी लिस्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, न्यू लिस्ट में अपेंड कर देना, क्या अपेंड कर देना, आई का। देखिए अगर आई जाएगा यहाँ से, अगर मैं कहूँ आई की वैल्यू क्या क्या आ रही है, तो एक बार नितिन आएगी, एक बार विराट आएगी, एक बार गेल आएगी। अगर मैं आई का इंडेक्स लगा के बोल दूं 0th एलिमेंट, तो मेरा काम हो गया दोस्त। ये मैंने आपको इंडेक्सिंग में बताया था कि 0th एलिमेंट क्या होगा, 0th होगा एन और विराट और जी, ठीक है। तो मैं प्रिंट कर दूंगा न्यू लिस्ट को, तो ये देखिए मेरा काम ईजिली हो गया, जो मुझे चाहिए था वो बड़ी ईजिली आ गया, इतना कुछ नहीं था। अपेंड मेथड क्या करेगा, न्यू लिस्ट में मेरा अपेंड कर देगा। अब इसी काम को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंप्रिहेंशन, कितनी इजीली से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंप्रिहेंशन, ये यार मैं इसलिए करता हूँ, ठीक है, हेडिंग इसलिए बनाता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा हो, मुझे भी कोई शौक नहीं है ना टाइप करने का, ठीक है। अब लिस्ट कंप्रिहेंशन से कैसे कर लेते हैं, सबसे पहले मैं न्यू लिस्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके बाद एक लिस्ट बनाता हूँ। मुझे अपेंड क्या करना था, यहाँ पे अपेंड करना क्या था मुझे, अपेंड करना था मुझे अपने नेम का पहला लेटर। तो मेरा सबसे पहले मैं इसे यहाँ से नीचे लेके आता हूँ और इसे मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है भाई। लिस्ट तो देनी पड़ेगी मुझे, जिसमें से काम करना है। अगर मैं लिख दूँ नेम्स का 0th इंडेक्स पे जो है, 0th इंडेक्स पे जो है फॉर आई इन नेम्स, अगर मैं इसे आई का 0 इंडेक्स लिख दूं जैसे मैंने उसमें करा था, सबसे पहले यहाँ देखा मैंने क्या करना था। अब मुझे यहाँ देखना है अपेंड क्या करना है, ये करना है। तो वो लिख दिया फॉर आई इन किस में से करना है, फॉर आई इन नेम्स में से करना है। अब मैं अगर प्रिंट कर दूंगा आपका नेम लिस्ट तो आपका काम हो गया बहुत इजीली। तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ ना, पेंट क्या करना है, चीजें इतनी क्लियर करके बता रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर वे में समझा रहा हूँ चीजें। तो दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाइयों मेरे, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखना पेंट क्या करना है, फिर आपको रेंज लिख देनी है, बात खत्म। तो ये लिस्ट कंप्रिहेंशन मैं यार एक और एग्जाम्पल दे ही देता हूँ मैं, देख लो कितना डिटेल में कर रहा हूँ आपके लिए चीजें। अब आपको क्या करना है, आपको लिस्ट का जस्ट अपोजिट प्रिंट करा देना। जैसे मैं एल के अंदर लिखता हूँ एप्पल, है ना, इनपुट में आपको ये देना और आउटपुट में मैं बताऊंगा आपको क्या लेना है। तो उसके लिए आपको लॉजिक लगाना होगा, ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग करनी होगी। तो अब आउटपुट में क्या लेना है ना, आपको आउटपुट में लेना है, आउटपुट में लेना है, ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ। आउटपुट में लेना है आपको एप्पल का जस्ट अपोजिट क्या होगा, ई एल पी पी ए। मैंगो का जस्ट अपोजिट क्या होगा, ओ जी एन ए M। और ग्रेप्स का अपोजिट क्या होगा, S E P A R G, ठीक है। यानी कि इनपुट में ये देना है, आउटपुट में ये चाहिए। जैसा कि इनपुट में मैंने वहां पे क्या दिया था, पूरी लिस्ट दी थी, और आउटपुट में क्या मांगा था, उनका पहला लेटर। अब आपको ऐसा लॉजिक लगाना है जिससे कि आप इसको रिवर्स में प्रिंट करवा सके। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ नॉर्मल मेथड से करके आपको, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड से देखते हैं, तो फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। फंक्शन हमने अच्छे से पढ़ रखे हैं। तो मैं एक रिवर्स स्ट्रिंग नाम का फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर, रिवर्स स्ट्रिंग्स नाम इसका, जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ मैं एल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू लिस्ट बनाता हूँ, एक एम्प्टी लिस्ट, जिसमें मैं अपेंड करूँगा चीज़ों को जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब मैं लिखता हूँ फॉर नेम इन एल। अब ये एल क्या होगा, ये एल यहाँ से जब मेरी कॉल होने के बाद जो मेरी लिस्ट चली जाएगी एल में, एल वो होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, और अपेंड करना क्या है मुझे, रिवर्स का लॉजिक क्या था मेरा, यहाँ पे नेम है। अब अगर नेम लिखना चाहो नेम लिख लो, आई लिखना चाहो आई लिख लो, वो ठीक है, वो वेरिएबल है, वो एक्सेस करने के लिए है, वो कुछ भी लिख सकते हो आप। तो उसके बाद -1, ये था लॉजिक रिवर्स का। स्टार्ट आर्ग्यूमेंट नल दी है और स्टॉप आर्ग्यूमेंट नहीं दी, और सीधा क्या कर दिया मैंने, स्टॉप आर्ग्यूमेंट दे दी -1, यानी कि पीछे शुरुआत करके आगे तक जाओ। अब रिटर्न कर देता हूँ मैं यहाँ से न्यू लिस्ट को, रिटर्न कर देता हूँ न्यू लिस्ट को। मुझे पता है दो काम हो सकते हैं यहाँ से। एक काम तो ये हो सकता है कि सीधा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लिस्ट लिखता हूँ, है ना, उसके बाद लिस्ट लिखने के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं कॉल करूंगा और उसका भी वेरिएबल को प्रिंट करा लूंगा। सीधा ऐसा हो सकता है कि सीधा मैं प्रिंट लिखूं और रिवर्स लिस्ट लिख दूं, सॉरी रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करूं, है ना, और उसके अंदर मैं हमारी लिस्ट को पास कर दूं। लिस्ट क्या है मेरी, एप्पल, दूसरा क्या है मैंगो, और तीसरा क्या है ग्रेप्स। अब मुझे इसका अपोजिट चाहिए, तो मैं इसे रन करूंगा तो देखिए मेरे को अपोजिट आ जाएगा। ये देखिए अपोजिट आ गया, यही आया, ओके। तो ये काम हो गया। चीजें वर्क कैसे करी, सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होने के बाद ये मेरी लिस्ट यहाँ चली जाएगी, फिर न्यू लिस्ट मैंने क्या करा, एम्प्टी लिस्ट बना ली जिसमें मैं अपेंड करूंगा, फिर फॉर आई इन एल, तो आई जाके पहले एप्पल, फिर मैंगो, फिर ग्रेप्स, इस तरीके से लेगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू मुझे क्या करनी है, जस्ट अपोजिट कर देनी है। तो रिवर्स करने का क्या है, ये लॉजिक था मेरा स्ट्रिंग का, और उसके बाद मुझे रिटर्न कर देना है न्यू लिस्ट को। तो बस इजीली हो गया, ये कोई बड़ी डील नहीं, नॉर्मल मेथड से। अब इस चीज को देखेंगे हम लिस्ट कंप्रिहेंशन से किस तरीके से करेंगे। तो मैं लिखता हूँ लिस्ट कंप्रिहेंशन और इस चीज को देखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है ना, क्यों अच्छी है और क्यों बेस्ट वीडियोज में से एक है, क्योंकि यहाँ पे है ना मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ चीजों में। और लाइफ में किसी भी चीज में अगर हमें अच्छा बनना है ना, मतलब अच्छा इन सेंस की परफेक्ट होना है, तो कंपेरिजन तो करना पड़ता है ना। मतलब कंपेरिजन इन सेंस में कि भाई जब हम कंपेरिजन करेंगे हमें पता होगा कि एक प्रोग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, एक प्रोग्राम हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो चॉइसेस होंगी हमारे पास, एक हमारे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा तो झट से मेरे दिमाग में दूसरा क्लिक कर जाएगा। तो दूसरा क्लिक करने से क्या होगा, वहाँ पे चीजें इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो, लिस्ट कंप्रिहेंशन से भी कर सकते हो, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। अब लिस्ट कंप्रिहेंशन से देखते हैं फंक्शन वाले प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो सीधा रिटर्न लिखता हूँ मैं, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, रिटर्न लिखने के बाद लॉजिक लिखता हूँ मैं, जो मैंने बताया था करना क्या है मुझे, ठीक है। तो मैंने ऊपर आई से लिखा था तो आई से लिख देते हैं यहाँ पे, लॉजिक जो मैंने अपेंड वाला बताता आ रहा हूँ अभी तक, वही करना है सेम। और अब मुझे क्या करना, फॉर, अब फॉर नेम फॉर आई इन एल, एल क्या है मेरी लिस्ट है जो कॉल होने पाएगी। अब सिंपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, पेरेंट रिवर्स स्ट्रिंग और ये वाला काम कर देना है, मेरा पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो मेरा पूरा काम हो गया, वही जो मुझे करना था। देखिए हो गया, कैसे हुआ, सबसे पहले मेरा फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होने के बाद ये एल यहाँ चला जाएगा, उसके बाद सीधा रिटर्न का मैंने लॉजिक लिख दिया और इसने यहाँ से लॉजिक लगा के रिटर्न करा क्या, इसका रिवर्स, और उसे मैंने प्रिंट करवा लिया। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।